हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी बिल्कुल आपको अभी अभी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो शायद हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आ भी चुका है, जिसे हम एस्टेड बोलते हैं। हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइंड इंटीजर रेंज। स्टूडेंट्स, हमने पढ़े थे मॉडिफायर्स, पढ़े थे टाइप मॉडिफायर्स, जिनमें हमने पढ़ा था लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड और अनसाइंड के बारे में। अनसाइंड में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रेंज ही आ सकती है, पॉजिटिव नंबर्स की रेंज ही आ सकती है, जबकि साइंड इंटीजर का मतलब है उसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं। क्योंकि साइंड इंटीजर की बात हो रही है तो हमें पता है, हमें बाय वैसे पता ही है हमें कि इंटीजर जो होता है वो सी या सी प्लस में 2 bytes का ही होता है। और 2 bytes का मतलब है उसकी जो रेंज होती है वो होती है -32768 से लेकर 32767 तक, जिसे हम 67 बोलते हैं, 32767, मतलब -32768 से लेके 32767 तक होती है ये। तो स्टूडेंट्स, तो अगर इसे रेंज को मुझे मतलब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी हो तो वो हम कैसे लेंगे, तो वो हम देखते हैं इसके अंदर। तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइंड इंटीजर रेंज इज -2^(n-1) से लेकर 2^(n-1) और फिर -1, मतलब ये रेंज है। अब क्योंकि आप, हम सब जानते हैं कि जो इंटीजर होता है वो 2 bytes का होता है, 2 bytes का मतलब है 16 bits का होता है, तो n की वैल्यू हम 16 रख देंगे यहाँ पे। तो इन सी लैंग्वेज हम अगर देखें तो इंटीजर इज ऑफ 2 bytes, मैंने वही बताया आपको, 2 bytes का मतलब है 16 bits, तो हम रेंज में ऐसे रख देंगे -2 और n की जगह मैं 16 रख दूंगा, तो क्या बनेगा, 16 - 1 = 15 हो जाएगा, मतलब -2^15 हो जाएगा 2। इसी तरीके से 2^15 -1 हो जाएगा। तो अगर 2^15 हम निकालते हैं तो वो आता है 32768, तो वही आ गया -32768। और आगे भी ऐसा ही है लेकिन उसमें हमने -1 भी कर दिया है, तो इसलिए वहाँ पे हो गया 32767। तो वैल्यू मेरी होगी -32768 से लेके 32767 तक। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, -2^(n-1) से लेके 2^(n-1) और फिर -1 उसमें। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखें। नेक्स्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन C++ हैज़ एक्सेस टू इट्स ओन एड्रेस थ्रू एन इंपॉर्टेंट पॉइंटर कॉल्ड दिस पॉइंटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस पॉइंटर का रोल आ गया। दिस पॉइंटर एक स्पेशल पॉइंटर होता है और जनरली ये ऑब्जेक्ट के एड्रेस को ही स्टोर करता है, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए ही पॉइंटर होता है। तो हम सभी जानते हैं कि C++ में जो ऑब्जेक्ट होता है वो खुद अपने ही एड्रेस को एक्सेस कर सकता है, और एक ऑब्जेक्ट जब अपने एड्रेस को एक्सेस कर सकता है वो एक स्पेशल पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकता है, उस पॉइंटर को बोलते हैं हम दिस पॉइंटर। तो यही कह रहा है, दिस पॉइंटर पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब दिस पॉइंटर खुद ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर सकता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट खुद के एड्रेस को यूज़ कर सकता है उसके खुद के दिस पॉइंटर के थ्रू। इस तरीके से दिस पॉइंटर पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो दिस पॉइंटर खुद ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है यहाँ पे। देयरफॉर इनसाइड ए मेंबर फंक्शन दिस मे बी यूज्ड टू रेफर टू द इनवोकिंग ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका दिस पॉइंटर है वो हमेशा मेंबर फंक्शन के अंदर ही यूज़ होगा, मेंबर फंक्शन से बाहर हम दिस को यूज़ नहीं करेंगे। तो वही वो कह रहा है, देयरफॉर इनसाइड ए मेंबर फंक्शन दिस मे बी यूज टू रेफर टू द इनवॉकिंग ऑब्जेक्ट। तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट को इन्वॉक करने के लिए मतलब जो दिस पॉइंटर है वो हमेशा किसी न किसी एक मेंबर फंक्शन के अंदर ही यूज़ होगा, मेंबर फंक्शन से बाहर हम दिस पॉइंटर को यूज़ कर ही नहीं सकते। आगे हम इससे रिलेटेड प्रोग्राम देखते हैं कैसे हम दिस पॉइंटर को यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream.h, फिर मैंने लिखा उसके नीचे हैश इंक्लूड conio.h, फिर मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम से, मैंने लिखा क्लास स्पेस स्टूडेंट, और फिर मैंने ओपन कर्ली ब्रेसेस की बॉडी स्टार्ट की है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है, एक डाटा मेंबर लिया है जो कि इंटीजर टाइप का है int a, और एक फिर मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया, उसके अंदर मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने डाटा मेंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया, जैसे डाटा मेंबर की वैल्यू a थी तो a को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 10 के साथ। फिर स्टूडेंट्स, मैंने एक मैंने एक मेंबर फंक्शन का यूज़ किया है
मेंबर फंक्शन है यहाँ पे, जैसे डिस्प्ले है, डिस्प्ले से मेंबर फंक्शन, और इसका रिटर्न टाइप वर्ड है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड डिस्प्ले के अंदर सी आउट का यूज़ करके मैंने एक वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है, और यहाँ पे मैंने दिस पॉइंटर का यूज़ किया है। मैंने यहाँ लिखा है दिस एरो ऑपरेटर ए, क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी हम पॉइंटर के थ्रू किसी मेंबर को एक्सेस करते हैं तो एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एरो ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो सिंपली, और ये एक चीज़ देखना, जो डिस्प्ले है मेंबर फंक्शन है, और मेंबर फंक्शन के अंदर ही मैंने दिस पॉइंटर का यूज़ किया है। दिस पॉइंटर हमेशा मेंबर फंक्शन के अंदर ही यूज़ होगा, इसको हम मेंबर फंक्शन से बाहर यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट में स्टूडेंट्स, मैंने क्लास को क्लोज किया है, क्लोज करली ब्रेस और सेमी कॉलन के साथ। फिर मेन फंक्शन में सिंपली स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। आपको पता है कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। मेन फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले स्टेटमेंट ही है कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या करके है, हमने ए की वैल्यू को इनिशियलाइज करके टेन से इनिशियलाइज हो जाएगी। फिर मैंने लिखा स्टूड डॉट डिस्प्ले, इसमें हमने क्या करके है, ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रखा है, तो ये 10 डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा दिस पॉइंटर को लिखे, ताकि दिस पॉइंटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर उसके बाद आप इस प्रोग्राम को खुद एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऐसा ही हमने न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर के बारे में भी सुना होगा। न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर का क्या यूज़ है? जनरली हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, जबकि डिलीट ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए। मतलब जो रिसोर्सेज हैं या मेमोरी है उसको दोबारा रिलीज़ करने के लिए हम डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जबकि न्यू ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। तो पढ़ते हैं न्यू ऑपरेटर क्या काम करता है। न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली एट रन टाइम। रन टाइम पे मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इज एलोकेटेड ऑन हीप। ये याद रखना स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं मेमोरी के लिए, एक तो हीप होता है और एक स्टैक होता है। तो जनरली डायनेमिकली एलोकेटेड जो मेमोरी होती है वो हीप पर एलोकेट की जाती है, जबकि नॉन स्टैटिक फंक्शंस के लिए या नॉन स्टैटिक या लोकल वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो स्टैक पर होती है। डिलीट ऑपरेटर इज यूज टू डीएलोकेट मेमोरी, ये भी हमने पढ़ा भी है। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड प्रोग्राम देखते हैं, कैसे हम एक प्रोग्राम का यूज़ करेंगे न्यू और डिलीट ऑपरेटर के साथ। स्टूडेंट्स, मैंने लिखा यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream.h, हेडर फाइल को इंक्लूड किया मैंने। फिर मैंने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, मैंने एक अदर हेडर फाइल को इंक्लूड किया जिसका नाम है conio.h। मेन फंक्शन के लिए मैंने लिखा void main, ओपन कर ली ब्रेस से मैंने इसकी बॉडी को स्टार्ट किया। फिर मैंने लिखा int *p इज़ अ पॉइंटर, और मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू दे दी null। आप चाहो तो नहीं दे सकते, लेकिन मैंने आपको दिखाना था, मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने नल यूज़ किया कि नल ऑपरेटर का भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पॉइंटर के साथ ऐसे नल लिख देते हो तो इसका मतलब पॉइंटर की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने नल रखी है, अभी ये किसी भी वैल्यू को, इसके अंदर अभी कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं हुआ। फिर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा कोमा आई, मैंने एक अदर इंटीजर वेरिएबल लिया है। अब स्टूडेंट्स, जो मेरा मैंने पॉइंटर लिया था, पॉइंटर को मुझे मेमोरी एलोकेट करनी है, तो पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट करने के लिए मैंने क्या लिखा है, पी इज इक्वल टू न्यू इंट 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, पी एक पॉइंटर था, और पॉइंटर हम सभी जानते हैं एक एरे की तरह ही होता है, लेकिन ये आपका डायनेमिक, अभी तक जो हमने डिक्लेयर किया था वो आपका सिंपल एरे था, लेकिन डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए, इसको डायनेमिक एरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया। तो अब ये एक डायनेमिक एरे बन गया पी, और जिसके अंदर 5 इंटीजर एलिमेंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब मैंने लूप चलाया है 0 से लेके, ये लूप चलेगा 4 तक, क्योंकि मैंने आई लेस देन 5 लिखा है। तो 0 1, पहले की इंडेक्स वैल्यू 0 होगी, दूसरे की 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इस तरीके से मैंने हर बार एक नंबर एंटर करवा रहा हूँ। मैंने सी आउट लिखा है एंटर ए नंबर, और यूज़र जो भी नंबर डालेगा, पहले नंबर की इंडेक्स वैल्यू 0 होगी, दूसरे नंबर की इंडेक्स वैल्यू 1 होगी, तीसरे की 2, इस तरीके से होगा। तो मैंने इसी तरीके से लिखा सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर पी, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा आई। तो इस तरीके से मेरे पास पांचों एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी एरे के अंदर, और फिर मुझे उन पांचों एलिमेंट्स की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो मैंने दोबारा लिखा है फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0 सेमीकोलन, आई लेस देन 5 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस, और मैं सी आउट करवा रहा हूँ यहाँ पे पी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आई। तो दोबारा मैं इस तरीके से
एरे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा रहा हूँ, एरे एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों फॉर लूप्स को यूज़ कर लिया। अब मेरा काम हो गया, मुझे दोबारा मेमोरी को डी एलोकेट करना है क्योंकि मेमोरी ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो अगर हम मेमोरी और रिसोर्सेज को जब तक डी एलोकेट नहीं करेंगे हम फर्दर कोई काम नहीं कर सकते। तो मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए या मेमोरी रिसोर्सेज को रिलीज़ करने के लिए हम डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है डिलीट स्पेस पी और लास्ट में गेट सी एच है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स, फिर मैंने मेन फंक्शन की बॉडी को बंद कर दिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने न्यू और डिलीट ऑपरेटर का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पढ़ चुके हैं। दोनों ही मैंने बताया था आपको स्टेटिक बाइंडिंग एग्जांपल हैं, जिसको हम स्टेटिक बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। जबकि वर्चुअल फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि वर्चुअल फंक्शन हमारे पास डायनेमिक बाइंडिंग के लिए हैं, लेट बाइंडिंग भी बोल सकते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी आपका एक स्टेटिक बाइंडिंग का एग्जांपल है। तो करता क्या है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पढ़ते हैं इसके बारे में। इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर कैन बी रीडिफाइंड टू परफॉर्म एडिशनल टास्क। ये सभी हम जानते हैं कि ऑपरेटर का एक बेसिक मीनिंग है, जैसे प्लस का मीनिंग एडिशन है, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन है, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो हर एक ऑपरेटर लेस देन है, कंपेयर करने के लिए है, लेकिन हर एक ऑपरेटर का एक मीनिंग है। लेकिन किसी भी ऑपरेटर को जब हम रीडिफाइन करते हैं ताकि उससे कोई एडिशनल टास्क लिया जाए तो उसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर कैन बी रीडिफाइंड टू परफॉर्म एडिशनल टास्क। हम एक ऑपरेटर को रीडिफाइन कर रहे हैं ताकि उसे एडिशनल टास्क को परफॉर्म किया जाए। नेक्स्ट है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल फंक्शन, दिस फंक्शन कैन बी ए फ्रेंड फंक्शन और मेंबर फंक्शन। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगर हम करने जा रहे हैं तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेशल फंक्शन की ज़रूरत होती है। वो फंक्शन क्लास का खुद का मेंबर फंक्शन भी हो सकता है और फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। हम फ्रेंड फंक्शन भी बना सकते हैं और मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं जैसी हमारी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंगली। तो ए मेंबर फंक्शन हैज़ नो आर्ग्यूमेंट फॉर यूनिट ऑपरेशन एंड वन आर्ग्यूमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं आपको। अगर आप एक मेंबर फंक्शन बनाने जा रहे हो, फ्रेंड फंक्शन नहीं बनाने जा रहे, फ्रेंड फंक्शन की बजाय आप मेंबर फंक्शन बनाने जा रहे हो, तो मेंबर फंक्शन में जब हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो यूनिट ऑपरेशन के लिए तो हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, जबकि बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम वन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसके अंदर। तो ए मेंबर फंक्शन हैज़ नो आर्ग्यूमेंट फॉर यूनिट ऑपरेशन एंड वन आर्ग्यूमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरीके से अगर हम मेंबर फंक्शन की बजाय फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो तब उसमें यूनिट ऑपरेशन के लिए वन आर्ग्यूमेंट होगा और बाइनरी ऑपरेशन के लिए इसमें टू आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो ए फ्रेंड फंक्शन हैज़ वन आर्ग्यूमेंट फॉर यूनिट ऑपरेशन एंड टू आर्ग्यूमेंट्स फॉर बाइनरी ऑपरेशन। अगर हम मेंबर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो यूनिट ऑपरेशन के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, जबकि बाइनरी ऑपरेशन के लिए वन आर्ग्यूमेंट होगा। इसी तरीके से जब हम फ्रेंड फंक्शन यूज़ करते हैं तो यूनिट ऑपरेशन के लिए वन आर्ग्यूमेंट होता है और बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम टू आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। सिंटैक्स देखते हैं, इसका सिंटैक्स कैसे है ऑपरेटर्स को डिफाइन करने, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को डिफाइन करने का। सबसे पहले तो हम रिटर्न टाइप ही देते हैं, किसी भी फंक्शन में हम रिटर्न टाइप देते हैं पहले कि उसका जो डाटा टाइप होगा वो किस डाटा टाइप में वैल्यू को रिटर्न करेगा। फिर ऑपरेटर लिखते हैं, ऑपरेटर इज़ अ कीवर्ड। ऑपरेटर कीवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। उसके बाद ओपी, ओपी उस ऑपरेटर का नाम है, जैसे मान लो यहाँ पे हम सिंबल यूज़ करते हैं ऑपरेटर का। जैसे अगर मैं प्लस को ओवरलोड करने जा रहा हूँ तो प्लस लिखूँगा, लेस देन को ओवरलोड करने जा रहा हूँ तो लेस देन लिखूँगा, मतलब साइन लिखेंगे हम यहाँ पे, सिंबल लिखेंगे, जो भी साइन या सिंबल होते हैं वो लिखेंगे। और फिर पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट्स होंगे हमारे पास, जो हम आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेस में आपकी बॉडी ऑफ द फंक्शन आ जाएगा, फिर क्लोज कर्ली ब्रेस से उसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सारा कुछ बता रखा है। वे आर रिटर्न टाइप इज द डाटा टाइप रिटर्न बाय द ऑपरेशन, मतलब जो रिटर्न टाइप है वो ऑपरेशन जो भी डाटा टाइप रिटर्न करेगा उसकी वो उसका टाइप बताने के लिए है। ऑपरेटर आपका कीवर्ड है, जबकि ओ आपका वो ओवरलोडिंग ऑपरेटर है जिसको हम ओवरलोड करने जा रहे हैं, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, जो मर्जी हो। और ओपी आर्ग्यूमेंट्स आपका लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे इसके अंदर। अब कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं ऑपरेटर ओवरलोड करते वक्त, क्या रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा वो रूल्स हम देखते हैं। ओनली प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बल्कि सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं।
वो कह रहे हैं जो प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं सिर्फ वही ओवरलोड होंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक नया ऑपरेटर बनाएंगे और फिर इसको ओवरलोड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑपरेटर पहले से डिफाइंड है, पहले से प्री डिफाइंड है लैंग्वेज के अंदर, सिर्फ हम उन्हीं को ही ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी कांट क्रिएट न्यू ऑपरेटर्स सच एज डॉलर, एट द रेट एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, ये डॉलर और एट द रेट आपका कोई भी ऑपरेटर लैंग्वेज के अंदर नहीं होता, ना ही सी में हम डॉलर एट द रेट को यूज़ करते हैं, ना ही सी प्लस में हम इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं एज ए ऑपरेटर। तो ऐसा भी नहीं है कि हम नए ऑपरेटर्स को बना सकते हैं, वी कांट क्रिएट न्यू ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, पहले से एग्जिस्टिंग है, सिर्फ उन्हीं को ओवरलोड कर सकते हैं, नए ऑपरेटर हम क्रिएट नहीं कर सकते। दो इन दोनों पॉइंट्स में हमारे पास ये बात क्लियर होगी। थर्ड पॉइंट, द प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज। हर एक ऑपरेटर की कुछ प्रीसीडेंस होती है, मतलब प्रायोरिटी वैल्यू होती है और एसोसिएटिविटी होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहेगी। तो हमने वही कहा था कि किसी भी ऑपरेटर के बेसिक मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते, बल्कि उसे रीडिफाइन कर सकते हैं, उसमें एडिशनल टास्क को ऐड कर, एडिशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसके बेसिक मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। तो प्लस ऑपरेटर की जो भी प्रायोरिटी थी, जैसे हमने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में बोर्ड मास का रूल होता है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर डिवीजन सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन सोल्व करते हैं बोर्ड मास में, BODMAS, फिर हम एडिशन सोल्व करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन सोल्व करते हैं। तो वो ही हम रूल्स को फॉलो करेंगे, हम कुछ चेंजेस अपने हिसाब से नहीं करेंगे। द बेसिक मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो वही मैं कह रहा था, प्लस का मतलब तो एडिशन ही है, हम बस उसको चेंज करने जा रहे हैं कि पहले हम प्लस से, जैसे हम दो नंबर्स को ऐड करते थे, लेकिन अब मैं दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ प्लस का यूज़ करके। तो हमने क्या किया, उसका बेसिक मीनिंग तो यही रहा कि एडिशन कर रहा है, लेकिन हमने उसमें थोड़े से चेंज कर दिया कि वो पहले नंबर्स को ऐड करने के बजाय अब वो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहा है। तो हमने एडिशनल टास्क को ऐड किया है, उसके बेसिक मीनिंग को चेंज नहीं किया। नेक्स्ट, द ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट हैव वन ऑपरेंड विच इज़ ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप। देखो, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट की बात की है, ऑब्जेक्ट आपका क्लास का एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज़ ए वेरिएबल ऑफ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विच मीन्स इज इट इज़ क्लास। तो क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल हो गया, क्लास एक डेटा टाइप हो गया, और अगर वैसे भी देखा जाए तो क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो जब हम ओवरलोडेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो उसमें कम से कम एक ऑपरेंड तो ऐसा होना चाहिए ये यूज़र डिफाइंड टाइप का हो, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप का हो। द ऑपरेटर्स डॉट कॉमा डॉट स्टार कॉमा कंडीशनल ऑपरेटर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हाइश साइज ऑफ कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड कर ही नहीं सकते, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में पूछ ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ऐसा पूछा जा चुका है, ऐसा पूछा जा चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। और नीचे आपको चार ऑप्शन मिले होंगे, चार अलग अलग सिंबल मिले होंगे, तो आपने ये सिंबल्स का ध्यान रखना है, ये ऑपरेटर्स का ध्यान रखना है, इनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, चाहे वो साइज ऑफ हो, चाहे हैश हो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो, कंडीशन ऑपरेटर हो, डॉट स्टार हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम सी और सी प्लस के एंड की ओर हैं, बिल्कुल हम एंड की ओर चल रहे हैं, हमने काफ़ी सारे वीडियोस कर लिए और बिल्कुल हम इसके एंड की ओर चल रहे हैं। तो होप उसके बाद मैं कोई और अच्छी सी लैंग्वेज जो जनरली पेपर्स में पूछी जाती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो करवाऊँगा इसके बाद। प्रैक्टिकल पोर्शन की ओर मैं थोड़ा ज़्यादा पहले ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि KVS MVS वगैरह के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो वीडियोज़ को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू वेरी मच इसके लिए।